है, कितना हेल्पफुल समझती हैं, और ख़ास तौर पर कुछ ऐसे मेंटोर जो कि बहुत बड़े नाम जुड़े हैं माजी में, तो मैन सीनियर टीम के अलावा बड़े बड़े नाम जाना ही नहीं चाहते थे, कितना हेल्पफुल है आपके लिए? देखें, फर्स्ट टाइम हमारे साथ मेंटोर्स सरफराज अहमद, शोएब मलिक, मिसबाह उल हक, लाइक जिनको हमने देख के सीखा है और हम जिनको देख के बड़े हुए हैं, तो एक एक अलग सी वाइब है इस टूर्नामेंट में, एक अलग मज़ा है कि ऐसा अपना आप बहुत सिक्योर फील हो रहा है। वुमेन क्रिकेट बहुत ज़्यादा सिक्योर फील हो रही है कि अगर हमें कोई मुश्किल आएगी, मुझे बैटिंग में कोई मुश्किल आएगी, तो मेरे पास लाइक मेंटोर्स हैं, मेरे सरफराज अहमद हैं, उनसे मैं बात कर सकती हूँ कि मुझे मुश्किल है। इसी तरह बॉलर्स के लिए भी है, तो हमारे सर इमाम इकबाल हैं जो हमारे हेड कोच हैं। तो ये वाला जो टूर्नामेंट इस हिसाब से जो है, मेरे ख्याल में ये अगर बार बार होता रहे तो वुमेन क्रिकेट को कोई ऊपर जाने से रोक नहीं सकता। अच्छा, इस तरह के टूर्नामेंट्स में जूनियर्स सीनियर के साथ खेलती हैं, आप सीनियर हैं, बहुत सारी लड़कियों को सीनियर से सीखने को मिलता है, और प्लेयर पूल्स की बात होती थी कि पहले हमारे पर लड़कियाँ कम होती थी, इस तरह के टूर्नामेंट कितने हेल्पफुल होते हैं मज़ीद लड़कियों को सीनियर के साथ खेल कर नेशनल साइड पर आने के लिए, कितना हेल्पफुल होता है? देखिए, ये पहले हम यही सुनते थे कि इतनी ज़्यादा गर्ल्स नहीं है, टूर्नामेंट्स नहीं हो सकते, लेकिन वही चीज़ कि जब हम एक चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे या वुमेन क्रिकेट के बारे में थोड़ा सोचेंगे, तो लड़कियाँ बहुत हैं, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह हम जूनियर्स के साथ मिलकर खेल रहे हैं, हम पे प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि हमें खुद भी परफॉर्म करना है और हमें जूनियर्स को भी लेके चलना है, तो हमारे और उन्होंने हमसे सीखना है, तो ये हमारे पे थोड़ा सा प्रेशर है, काफ़ी चीज़ों को लेके चलना है। मुझे लगता है ऐसे टूर्नामेंट्स बार बार होते रहने चाहिए, जूनियर्स के लिए भी बहुत अच्छा, इवन हम सीनियर्स के लिए भी बहुत अच्छा। कितने सेटिस्फाइड है जो पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ता जा रहा है वुमेन क्रिकेट का, इससे कितनी आपको तसल्ली हो रही है और कितनी इत्मीनान आप फील कर रहे हैं कि यार फ्यूचर सिक्योर होता जा रहा है वुमेन क्रिकेट का? बिल्कुल, कंपटीशन भी सबसे मेन चीज़ होती है, कंपटीशन कि आपको स्ट्रॉन्ग आगे से आपका ओपोनेंट हो, आपको अच्छा कंपटीशन मिले, तो आपकी भी क्रिकेट इंप्रूव होती है, क्योंकि अगर हम कम वही गर्ल्स अगर बार बार खेलती जाएंगे तो हमारी इंप्रूवमेंट का चांस कम है। तो इट्स गुड कि बच्चे आके हमें टफ टाइम दे रहे हैं, और इसी तरह से और भी अभी बहुत सी बच्ची हैं जो इस टूर्नामेंट में अपनी जगह नहीं बना सकती, जैसे कि 19 लड़कियाँ आई थी हर टीम में और अब 16 रह गई हैं, जो तीन वापस गई हैं उनमें भी बहुत टैलेंट है, वो भी इक्वली हम जैसी ही गुड है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उनको भी चांस मिलेगा और इसी तरह पूल बढ़ता जाएगा। ग्रेजुअल बेहतरी आ रही है हमारी नेशनल वुमेन्स टीम की परफॉर्मेंस से भी, जिस तरह हमने रिसेंटली देखा गो कि हम वर्ल्ड कप में आगे ना आ सके, बट एक स्पार्क नज़र आ रहा था टीम में, जिस तरह स्टार्ट हमने किया फ्लाई किया पाकिस्तान टीम में, तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी, और आई मीन आर वी गेटिंग दैट जो हमारा गैप है उसको क्लोज करने के करीब आ रहे हैं? बिल्कुल 100%, जिस तरह आप एशिया कप की अगर मैं वहाँ से बात स्टार्ट करूँ, एशिया कप में हम एक स्कोर से जो श्रीलंका से हारे, बहुत अच्छा खेला लड़कियों ने, बहुत अच्छी फाइट की, फिर हमने वर्ल्ड कप में और हमने उनको हराया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इवन इंडिया के साथ हमारा मैच कुछ ऑब्वियसली क्रिकेट है, थोड़ा स्कोर कम रह जाता है, 10-15 रन का गैप रह जाता है, अगर हम वो मैच भी जीत सकते थे इजीली, मैं वहाँ पे थी, हम देख रहे थे, तो वो जो एक माहौल था, लड़कियों की क्रिकेट साफ नज़र आ रही है, बहुत इंप्रूव कर रही है, फिटनेस क्योंकि हमारी फिटनेस बहुत बेहतर हो रही है, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट जो है वो इंप्रूव कर रही है, और ये 50 ओवर्स गेम है, आप बच्चों को भी देख सकते हैं, अभी एक इनिंग में लाइक दोनों इनिंग में 40-40 ओवर हुए हैं, तो ये जूनियर्स बच्चे हैं, उन्होंने प्रॉपर अंदर अपने 10-10 का स्पेल किया है और अच्छी फील्डिंग की है, एनर्जी उतनी थी, तो इट मींस कि फिटनेस हम लोगों की बेहतर हो रही है और वुमेन क्रिकेट जो है वो बेहतरी की तरफ। करम इसी फैजान भाई ने वो स्पार्क जो है वो फायरवर्क्स में तब्दील नहीं हो पाता, बहुत क्लोज जाके वुमेन खास तौर पर हम हार जाते हैं, तो क्या वजह है कि हम बहुत क्लोज जाते हैं, ऐसा लग रहा होता है जीतते हैं और फिर वो दिल टूट जाता है? ये हम सबको आइडिया, ऑब्वियसली ये चीज़ हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि हम मेंटली बाकी टीम से थोड़ा सा लैग करते हैं, लाइक जहाँ पे प्रेशर हैंडलिंग, जहाँ पे सिचुएशन आती है, हम वहाँ पे थोड़ा सा लैग कर जाते हैं, घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, और ये हकीकत है, ये होता है हमारे साथ भी, इवन समटाइम मेंस क्रिकेट में भी ये चीज़ हो जाती है, तो मुझे लगता है उस टाइम पे हम सीनियर्स को थोड़ा सा स्टेप अप करना होगा और ये प्रेशर हैंडल करना होगा, जब हम उस चीज़ को हैंडल करेंगे, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी हमें आसान लगती हैं क्योंकि हम यहाँ मेंटली बहुत ईजी होकर रिलैक्स होकर खेलते हैं, अगर मुझे लगता है हम एग्जैक्टली वैसा ही बाहर भी खेलें और बाकी टूअर्स पे टूर्नामेंट्स में बाकी टीम्स के साथ मुल्कों के साथ खेलें इस तरह ईजी होकर, तो मुझे लगता है हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, मेरा भी यही सवाल था ऑलमोस्ट, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से ऐसा हो रहा है कि बहुत क्लोज जा रहे हैं, क्लोज जाते जैसे हमें उम्मीद पैदा होती है कि अब विन है, लेकिन वहीं एकदम से कुछ होता है और सिचुएशन ऐसी बनती है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान टीम हार जाती है, तो यही सवाल है कि कब तक, आखिर कब तक, आपको कौन से ऐसे की एरियाज जहाँ आपको लगता है कि इन एरियाज़ को इम्प्रूव किया जाए, तो जहाँ हम लास्ट मोमेंट पर आके जहाँ मैच विन हो सकता है वहाँ हम हारते, तो वो कौन से एरियाज होंगे?
मैंने यही चीज़ एक बात की, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेंटली हमें थोड़ा सा इस चीज़ पे काम करना होगा। लेकिन अगर आप अभी आप 2-3 साल पीछे की बात करें, अगर आप उससे भी पीछे चले जाए तो हम इतने क्लोज भी नहीं आते थे। हम बहुत बड़े बड़े मार्जिन से हारते थे। तो कोई भी चीज़ जो है वो एकदम हो नहीं जाती है। जैसे ये हमें क्लोज आने में 2-3 साल लगे, मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। हम न्यूजीलैंड को भी हराया है, एक टाइम था हम न्यूजीलैंड को कभी सोच भी नहीं सकते कि हम उनको सीरीज़ हराएंगे। साउथ अफ्रीका को, श्रीलंका को, वेस्ट इंडीज़ को, इंडिया को इवन हमने कभी सोचा भी नहीं था। वो बहुत लीग्स खेलते हुए आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ हमारी वुमेन क्रिकेट की लीग्स का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो हमने एग्जीबिशन मैचेस खेले थे, जब हमने दूसरे प्लेयर्स के साथ वो डगआउट शेयर किया था, तो वो एक अलग वाइब थी, एक अलग माहौल था। और मैं जब लाइक विनफील्ड, इंग्लैंड की इतनी बड़ी लेजेंड है, उनके साथ जब मैं खेल रही थी वो एक अलग वाइब थी। श्रीलंका की अता बतू जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एशिया कप में बनी हुई, जब मैं उसके साथ खेल रही थी तो मेरा खेलने का स्टाइल भी एक डिफरेंट हो गया था। तो मुझे लगता है कि जितनी अगर वुमेन क्रिकेट की लीग को भी देखा जाए, अगर हम इंडिया से अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो मेरे ख्याल में उनका WPL का तीसरा कि चौथा सीज़न अब स्टार्ट होने वाला है, तो हमारा अभी तक एक भी नहीं हुआ। रिक्वेस्ट ही है आप सबकी स्पोर्ट से, मीडिया की स्पोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मुझे लगता है आप लोग ही कहेंगे तो वुमेन क्रिकेट लीग भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह क्लोज की बात हो रही है मैचेस की, तो हमारी मेंस टीम का आपने जैसे जिक्र किया, वो भी बहुत क्लोज जाके हार रही थी, मगर जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड को हराया, फिर आज ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को ही बड़े ज़बरदस्त वन साइडेडली मेंस टीम ने हरा दिया है। कुछ यंगस्टर्स आए, बिल्कुल बदली भी दिखाई दे रही है पाकिस्तान टीम। तो क्या कहेंगी, ये जो मेंस टीम की विक्ट्रीज है ये कितनी अहम है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? अब बिल्कुल मेंस क्रिकेट की ही वजह से जो हकीकत है, हम लोगों को भी उनके ज़रिए थोड़ा सा फल मिल जाता है। वुमेन क्रिकेट को भी, आप लोगों को भी साफ पता है कि मेन क्रिकेट ऊपर जाती है तो वुमेन क्रिकेट को भी थोड़ा सा करते हैं। लेकिन हमारी दुआएं लड़कों के साथ हैं, बाबर आजम के साथ हैं, उसको हम स्कोर करता देखना चाहते हैं। वो हमारे मुल्क का एक मतलब बहुत बड़ा सरमाया है। वो जितना खूबसूरत बैटिंग करते हैं, मोहम्मद रिजवान है, सलमान अली आगा, तो